ना बस करो यार, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है, दिखावा करने की भी हद होती है, सेल्फिशनेस की भी हद होती है, बट आई थिंक कि ये चीज़ टीना को समझ में नहीं आती है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफाफूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। बिग बॉस का घर ऐसा घर है, बिग बॉस का यू नो बिग बॉस के हालात ऐसे हैं, बिग बॉस की पूरी सिचुएशन ऐसी है जो पूरी तरह से बहुत 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 ही ज़्यादा वियर्ड है, जो पूरी तरह से बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड लग रही है। टीना और शालीन के केस की अगर मैं बात करूँ, डेली बेसिस पर लोग कह रहे हैं कि बस करो यार, मतलब लिटरली ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं लोग, बंद कर दो ये दिखावा, ये यू नो फेक चीज़ें दिखाना, जस्ट स्टॉप इट। लेकिन रही बात टीना की, शालीन तो फिर भी कंट्रोल में है, या फिर शायद शालीन जेन्युइन है, बट टीना इज एब्सोल्युटली हॉरिबली लाइंग। जी हाँ, यानी कि झूठ बोलने की भी हद होती है। जब वो हर्ट होती हैं तो उनका रियल साइड दिख जाता है, जब वो हर्ट होती हैं तो वो दूसरे के लिए गंदी चीज़ों का, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जब भी आप हर्ट होते हैं ना, उस दौरान आप जैसा बिहेवियर कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली आपके कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है कि आप इन कोर, आप अंदर से एक्चुअली में कैसे इंसान है। जैसे कुछ लोग हर्ट होकर रोने लग जाते हैं और अकेले बैठ जाते हैं, लेकिन वो दूसरे को जाकर हर्ट नहीं करते, बट कुछ लोग हर्ट होने के बाद दूसरे को गंदी बातें करते हैं, अपने हर्ट का ब्लेम दूसरे पर डालते हैं, तो उससे उनकी गंदगी जो है वो दिख जाती है। बट फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं कि टीना के अंदर भी यही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रीडोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। उनकी निगाहें हर तरफ वायरल हो रही हैं। सबसे पहले तो ये निगाहें मैं आपको दिखा दूं। देखिए, हग करते वक्त शालीन को कल के दिन टीना ने कैमरा को क्लियरली लुक दिया, फिर यहाँ पर भी शालीन टीना को देख रहे हैं, लेकिन टीना की नज़र देखिए, आपको नज़र से ही समझ में आ जाएगा भैया कि बंदी कितना झूठ बोल रही है। ये है तीसरी तस्वीर, थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पर भी इनका ध्यान कैमरे पर है। उसी के साथ साथ मैं आपको दिखा दूँ कि ये देखिए, देखिए मतलब हर जगह छुपके वो ये देख रही है, सिर्फ कि कैमरा उन्हें देख रहा है कि नहीं देख रहा है। कैमरा अगर देख रहा है तो ठीक है, तो मैं शालीन को हग कर लूँगी, तो मैं शालीन को आई लव यू भी बोल दूंगी, तो मैं शालीन के इर्द गिर्द डोलने लग जाऊंगी। अनटिल अनलेस कैमरा वर्क कर रहा है तो मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ। कैमरा अगर नहीं वर्क कर रहा तो फिर मैं शालीन का मजाक उड़ाऊंगी, तो फिर मैं शालीन के इर्द गिर्द रहूंगी, तो फिर मैं शालीन के साथ हंसी मजाक भी ठीक से उतना नहीं करूंगी। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगने लग गई हैं जनता को, और जनता अब क्लियरली थक चुकी है, पक चुकी है। जनता तो छोड़ो, सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज़ भी पक चुके हैं, सेलिब्रिटीज़ भी ये बातें लिख रहे हैं, देवोलीना से लेकर राजीव से लेकर हर कोई, कि बस करो यार, ये झूठा लव एंगल दिखाना बस करो।